हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम चैप्टर 15 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस। हियर वी आर आस्क्ड दैट हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। तो देखिए, यहां पर हमें इन तीनों के बारे में डिफरेंस बताना है और हमसे पूछा गया है कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम तीनों के पहले एक कॉलम बना लेते हैं। तो कैप्चर फिशिंग सेकेंड कॉलम इज ऑफ मैरी कल्चर एंड द थर्ड कॉलम इज एक्वा कल्चर। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर हम कैप्चर फिशिंग की बात करेंगे, फिर मैरी कल्चर की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्वा कल्चर की बात करेंगे। तो देखिए, कैप्चर फिशिंग में क्या होता है कि जो ये हमारे फिशेज होती हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन करने को हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ obtaining fishes of natural resources. Now, coming to the second part, this is mariculture. So, this is the culture of marine fishes for commercial use. And in the last, we have to define the aquaculture. So, it involves the production of aquatic animals that are of high economic value, such as prawns, lobsters, फेस एटसेट्रा।